वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज़ मलिक आहद और आज इस वीडियो में हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेलमिन CSS, ठीक है। और ये हम बनाएंगे अपना लॉगिन पेज बनाएंगे रिएक्ट JS में, ठीक है। तो इसमें हम लोकल स्टोरेज को भी देखेंगे कि किस तरह हम लोकल स्टोरेज के थ्रू अपना लॉगिन सक्सेसफुल कर सकते हैं, उसको यूज़र को आफ्टर लॉगिन किस तरह हम होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लॉगिन पेज एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है रिएक्ट लॉगिन पेज के नाम से, ठीक है। और ये मैंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ वीट, यूजिंग वीट मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। अगर आपको वीट के बारे में नहीं पता तो मैंने वीट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि वीट और क्रिएट रिएक्ट ऐप के में क्या डिफरेंस है और हमें वीट का क्यों यूज़ करना चाहिए, वीट क्यों बेस्ट है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ अपना कंपोनेंट्स के नेम से, कंपोनेंट, ठीक है। इसमें मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ लॉगिन, और इसमें मैं एक फाइल बना लेता हूँ अपनी page.jsx, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा इसका ARAFCE, इससे आपको पूरा एक जो सिंटैक्स होता है एक क्या कंपोनेंट का वो आपको मिल जाता है, ऑटो जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन। इसके बाद इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपनी मेन फाइल में, यहाँ पे मैंने इसी में किया हुआ था। ये मैंने आपको इसलिए कंपोनेंट वाला फोल्डर बना के दिखाया ताकि आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस की पता चल जाए कि हम अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डिफरेंट पेजेस होते हैं उनको हम सेपरेटली ही उसका कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं इम्पोर्ट लॉगिन फ्रॉम, कहाँ से जी, हमारे कंपोनेंट वाला जो फोल्डर है उसमें है, इसको ये करते हैं ये और ये पेज हमारा क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे हो गया इम्पोर्ट, फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आ गया हमारे पास लॉगिन। चलते हैं अब हम अपने लॉगिन पेज के ऊपर, यहाँ पे कुछ कोड करते हैं, फॉर्म बनाते हैं छोटा सा। और फॉर्म में हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स रहेंगी, एक होगी फॉर ईमेल या यूज़र नेम और दूसरी जो होगी वो पासवर्ड के लिए होगी। तो यहाँ पर मैं एक प्लेस ऑर्डर ले लेता हूँ, एंटर योर ईमेल, उसके बाद ठीक है यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ इनपुट, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर ले लेता हूँ एक इंटर योर पासवर्ड। अच्छा, इसमें मैं जो है वो इंटरफेस पे ज़्यादा फोकस नहीं दूँगा, स्टाइलिंग पे, ठीक है। तो काइंडली आपने जो इसका लॉजिक है और इसमें जो मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करूँगा आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है, कि हम रिएक्ट जेएस में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं उनको हम उन्हें हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। और यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ लॉगिन के नेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं हम, क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल, और ये हमारे पास कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगे। और ये क्यों नहीं है अभी तक, इसको देख लेते हैं हम, नहीं आए। अगर मैं ये ख़त्म करके देखते हैं क्या होता है, एक दफ़ा अपना जो है
सर्वर्स को रिस्टार्ट करके देखते हैं कि टेलमेंट क्यों नहीं वर्क कर रही है बेस पे। तो इसको मैं यहाँ से आ गया यहाँ से, तो फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम हाइट स्क्रीन कर देते हैं। नहीं, इसकी हाइट स्क्रीन नहीं करेंगे, आई डोंट नो कि ये वर्किंग क्यों नहीं कर रही टेलमेंट जिसके साथ। अगर हम स्टाइल यूज़ करके देख लेते हैं फिर, अगर हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है। ओके जी, ये आ गया। आई डोंट नो कि टेलमेंट क्यों नहीं इस पीस पे काम कर रही। मैं ज़्यादा टाइम नहीं इस पे लगाऊंगा क्योंकि इस पे हमारा जो है वो टॉपिक नहीं है। यहाँ पे एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ, सजेशन आ रही है बट आई डोंट नो कि वो वर्क क्यों नहीं कर रही। हाइट स्क्रीन विड्थ फुल, ओके, नो वर्किंग, चलने खैर कोई नहीं। स्टाइलिंग पे अभी हम ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि स्टाइलिंग का हमारा जो है वो इतना टॉपिक नहीं है हमारा, तो ज़्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो उसी पे ही है, लॉजिक पे। तो इसको मैं एक दफा गैप दे देता हूँ, गैप कॉलम गैप कॉलम गैप, ये रहा, इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। और सिंपल गैप देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज के नेम से, और इसको हम यहाँ पे ये कर देते हैं ये, और यहाँ पे हमारे पास आएगा इवेंट, ठीक है, और इस इवेंट को हम कॉल करेंगे ऑन चेंज पे, और ऑन चेंज हमारे पास आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हाँ, इस पे भी ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास ये। अच्छा, इसको हमें इस तरह कॉल नहीं करना क्योंकि हमें ई पास करना इवेंट, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह ये बनाऊंगा, और इसको हम यहाँ से करेंगे इस तरह कॉल, और यहाँ से पास कर देंगे इवेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी है। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, और इसकी जगह पे हम इसको कर देंगे रिप्लेस, ओके, ये हो गया। इसके बाद एक तो ये हो गया, और एक हम करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और इसको मैं कर दूंगा ये, और इसको हम कॉल करेंगे लॉगिन वाले बटन पे ऑन क्लिक, और इसको हम यहाँ से करेंगे हैंडल सबमिट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरे पास दो फील्ड्स हैं, एक ईमेल के लिए और एक दूसरा जो है वो पासवर्ड के लिए। अभी तो हम दो दो दफ़ा यूज स्टेट को यूज़ कर लेंगे तो वो इशू नहीं होगा। अगर हमारा जो फॉर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 इनपुट फील्ड्स हैं, 15 इनपुट फील्ड्स हैं, देन हम क्या करेंगे, क्या हम 10 दफ़ा 15 दफ़ा यूज स्टेट को यूज़ करेंगे?
तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसमें ये होगा कि हम बार बार यू स्टेट को यूज़ करते जा रहे हैं, इससे हमारे कोड की जो है वो लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इन साइज़ वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उसकी रीडेबिलिटी कम हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है हमारे पास। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना जो कोड करना है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ करना है। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाए, हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट। यहाँ पे मैं दो यूज स्टेट्स लूँगा, कॉन्स सॉरी एक ही लूँगा, ताकि आपको उसकी बेस्ट प्रैक्टिस का पता चल जाए कि हम मल्टीपल इनपुट फील्ड्स को एक यूज स्टेट के साथ किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ यूज़र, सेट यूज़र, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यूज स्टेट। आपने यूज स्टेट जैसे ही किया टाइप, आपको सजेशन आएगी और आपने इसको एंटर करना और वो खुद ही जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना आपके पास कितनी फील्ड्स हैं, दो फील्ड्स हैं, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज इसको दे देता हूँ, एक ईमेल आ जाएगी मेरे पास और दूसरा जो होगा वो मेरे पास आ जाएगी पासवर्ड, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑन चेंज के ऊपर यहाँ से इवेंट में से मैं दो चीज़ें निकालूँगा, कॉन्स्ट एक होगा नेम होगा उसका फील्ड नेम होगा और दूसरा उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, और ये निकलेंगी हमारे पास इवेंट डॉट टारगेट में से निकलेंगे, ठीक है, और इसको हम इन्हें हम सेट करवा देंगे कुछ इस तरह से, सेट यूज़र, इसमें से प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी हमारी स्टेट की, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास प्रीवियस और वैल्यू नहीं, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास नेम और उसकी वैल्यू। अब ये जो नेम और वैल्यू है ये हमारे पास किस कहाँ से आएंगी, वो आएंगी हमारे पास इस इनपुट फील्ड में से। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं नेम असाइन करता हूँ, ठीक है, अब वो नेम क्या होगा हमारे पास ईमेल। इसी तरह वैल्यू प्रॉपर्टी होती है इसकी प्रॉपर्टी, और इसको मैं कर दूंगा यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है, इसको चाहे आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, हम नहीं इसमें बीट के थ्रू हम इसको इस तरह नहीं कर सकते। सेम इसको इधर भी इसी तरह यूज़ कर लेंगे, दूसरी इनपुट फील्ड को नेम वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेंगे और वैल्यू वाली, नेम वाली में हम इसको कर देंगे पासवर्ड जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, ठीक है, और यूज़र में से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू जो कि क्या है पासवर्ड, तो ये आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम यहाँ पे, इवेंट भी यूज़ हो गया हमारे पास, ये भी आ गया। अच्छा जी, ये यहाँ पे क्यों सजेशन दे रहा है, इसको हम देखते हैं कि ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा जी, इसको हम देखते हैं, तो अच्छा जी यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि इसको हम रखेंगे इस तरह क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है, और ये जो नेम वाली प्रॉपर्टी हम रखेंगे क्योंकि नेम जो हमारे पास डबल पर है आ रही हमारे पास, तो जिसके साथ वो मैच करेगा उसकी वो वैल्यू साइन हो जाएगी, तो ये आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं हम ऑन सबमिट पे करवाते हैं कंसोल यूज़र, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यूज़र, ठीक है, तो चलते हैं इधर अपने कोड पे, इंस्पेक्ट ऑन करते हैं कंसोल, अभी हमारे पास इसको हम करते हैं क्लियर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ @gmail.com और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देते हैं हम, ठीक है, तो क्लिक करता हूँ मैं, तो ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट यूज़र का। अच्छा, अब देखें दो फील्ड, इसी तरह अगर हमारे पास ज़्यादा फील्ड्स होंगी तो हम यहाँ पे सिर्फ फील्ड्स को इंक्रीज करते जाएंगे, यू स्टेट जो है वो हमारी एक ही यूज़ हो जाएगी, एक स्टेट के थ्रू हम मल्टीपल इनपुट फील्ड्स को जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक कोड इसमें रिएक्ट जेएस में एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा जी, अब हमारे पास यूज़र तो आ गया, ठीक है, हम उसकी ईमेल भी सेस कर रहे हैं, उसका पासवर्ड भी सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, चल इसको ऐसे रहने देते हैं, इसका इशू नहीं है इतना। तो अब जैसे ही लॉगिन होते हैं हमारे पास, तो लॉगिन होने के बाद के
हम अपने यूजर को सेट करवाएंगे लोकल स्टोरेज में, और लोकल स्टोरेज में सेट करवाने के बाद हम उसको एक होम पेज बनाएंगे, उसके ऊपर रिडायरेक्ट करवा देंगे और वहाँ पे जो भी यूजर की यूजर की ईमेल होगी उसको वहाँ पे शो करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हम, और यहाँ पे जाने के बाद एक कंपोनेंट बनाते हैं होम, होम का एक कंपोनेंट बनाएंगे। और कंपोनेंट बनाने के बाद यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ pay.jsx और सेम टेक्निक RAFCE, इसको यहाँ से करते हैं हम खत्म। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास लॉगिन बटन है सबमिट वाला, इसके ऊपर हम इसको करवाएंगे रीडायरेक्ट। अब रीडायरेक्ट किस तरह करवाना है ये देखते हैं हम। इसको रीडायरेक्ट करवाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको कर देंगे, अच्छा जी सबसे पहले तो हम इसको जो भी यूज़र हमारे पास है इसको हम सेट करवाएंगे लोकल स्टोरीज में। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लोकल स्टोरी डॉट सेट आइटम, और इसको हम यूज़र का नाम स्ट्रिंग पास कर देते हैं, यूज़र पास कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। लोकल स्टोरी में जब भी हमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसको उसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी एरर हैंडल कर लेते हैं ताकि उसका भी थोड़ा आइडिया आ जाए। अगर यूज़र डॉट ईमेल है एंड यूज़र डॉट पासवर्ड है तो उसको क्या कर दो, रीडायरेक्ट करवा दो। ठीक है, और एल्स अलर्ट शो करवा दो, क्या प्लीज़ प्रोवाइड क्रेडेंशियल्स। तो इसको अगर मैं इसी तरह क्लिक करूँ तो ये आ जाएगा, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से रिफ्रेश। ठीक है, तो वो कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अच्छा अगर यूज़र डॉट ईमेल है और यूज़र डॉट पासवर्ड है तो उसको क्या कर दो, जी रीडायरेक्ट कर दो होम पेज पे। तो यूज़र को हमने क्या कर लिया, मगर अब लॉगिन के क्लिक के ऊपर हमें क्या करना है कि हमें यूज़र को होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट डॉट होम की लाइब्रेरी होती है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं यूज़र को। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सिंपली यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आने के बाद आप करें npm i react router dom। ठीक है, यहाँ से आपकी जो लाइब्रेरी होगी वो इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, अपनी मेन में आना है। मेन डॉट js में आने के बाद इसको हम यहाँ से कर देंगे ख़त्म, और इसको हम करते हैं कट। करने के बाद यहाँ पे आपने ब्राउज़र राउटर ये आ जाएगा, इसको आपने करना है ये। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी ऐप होगी वो रैपअप हो जाएगी ब्राउज़र राउटर के अंदर। आप इस पूरी ऐप में जो भी राउटर डिफाइन करेंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो किस कंपोनेंट का राउटर है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपको आना है ऐप डॉट जेएस में। अच्छा, अब ऐप डॉट जेएस में कहते हैं अपने ऐप डॉट जेएस को जब ऐप का जो कंपोनेंट उसको रैप करना है राउट्स में, मतलब कि इस ऐप के अंदर मल्टीपल राउट्स आ सकते हैं और इसमें आपने क्या करना है, राउटर डिफाइन करना है। अब पहला जो राउट है हमारा वो है लॉगिन का, तो पाथ बताएंगे हम इसका कि पाथ क्या होगा। पाथ हमारा ये है लॉगिन पेज है, तो हम चाहते हैं हमारी जैसी वेबसाइट मतलब कि ओपन हो तो हमें सबसे पहला जो पेज हो वो लॉगिन का हो, तो उसके लिए हमें सिंपल डैश यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम अपना एलिमेंट मतलब कंपोनेंट यूज़ करते हैं कि किस कंपोनेंट को हमें शो करवाना है, तो हमें ऐप वाले को शो करवाना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सॉरी लॉगिन वाले को जिसको हमें शो करवाना है वो आएगा, सॉरी लॉगिन का कंपोनेंट है। अब इसके बाद हमें किस पेज को रीडायरेक्ट करवाना है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट होम फ्रॉम कंपोनेंट होम और पेज। यहाँ से हमारा होम का कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो चुका है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ होम। ठीक है, अब हम अपनी फाइल में आते हैं, यहाँ पे आके सिंपली इसकी एक यूज हुक होती है कॉन्स्ट हिस्ट्री एक वेरिएबल है, लेता हूँ मैं नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ये हमें रिकमेंड होगी, इसको हम ये करते हैं। अब इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम यूज़र को लॉगिन करवाएंगे, रीडायरेक्ट करवाएंगे अब रीडायरेक्ट करवाते हैं इसको नेविगेट करवाते हैं, और किस पे करवाना है होम पे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ये होम। अब अपनी ऐप को चलाते हैं हम, रन करते हैं रन टैप के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगी। क्लिक करते हैं, अलर्ट आ जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे ahad@gmail.com, पासवर्ड कोई भी दे देंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हम वेलकम यूज़र होम पे कंपोनेंट पे आ गए। अच्छा, एक बात आप याद रखें, जो बात आपने यहाँ पे दिया होगा वही बात आपने नेविगेट वाले में यूज़ करना है कि इस बात के ऊपर वो क्या हो जाए, नेविगेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, अब लॉगिन भी हो गया हमारे पास, नेविगेट भी करवा दिया यूज़र को, लोकल स्टोरी में सेट भी करवा दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ये यूज़र आ रहा है इसकी जगह पे जो ईमेल यूज़ की थी यूज़र ने वो हमें शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने होम कंपोनेंट में आएंगे। यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट हुक है जो यूज़ होती है हमारे पास रिएक्ट में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुक है, इसके बारे में आप लोग अगर आपको नहीं आइडिया तो ज़रूर पढ़िएगा, और इस एम्प्टी अरे का भी आप देखिएगा कि ये क्यों यूज़ किया मैंने। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारी वीडियो जो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा आपको। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं अब लोकल स्टोरीज में जो मैंने सेट करवाया था उसको मैं गेट कर लेता हूँ, लोकल स्टोरीज डॉट गेट आइटम, और जो जिस नेम से करवाया था वो आ जाएगा। अब गेट तो हो गया हमारे पास, इसको हमने अब स्टोर भी करवाना, तो मैं कहता हूँ यूज़र इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज। अच्छा, अब उधर हमने क्या किया था कि उसको सेट करने से पहले हमने उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट किया था, अब हम उसको स्ट्रिंगिफाई से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स और यूज़र, अब ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये यूज़र आ गया। अब यहाँ पे मैं एक स्टेट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट लॉग्ड यूज़र सेट लॉग यूज़र इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ जाएगा अभी के लिए। अब इसको मैं यहाँ पे यूज़र को सेट करवा देता हूँ अपने इस स्टेट में, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यूज़र, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ लॉग यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, देखिए हमारे पास वो ईमेल आ गई। एक दफ़ा दोबारा से सारा फ्लो चला के देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे daud@gmail.com और दाऊद ये कर देते हैं, जैसे ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे वो रीडायरेक्ट करवा देगा हमें होम पेज पे, और जो भी हमने ईमेल एंटर की होगी वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा एक सिंपल सा लॉगिन पेज विद लॉजिक ऑफ लोकल स्टोरेज, कि हम लोकल स्टोरेज में किस तरह अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, बाद में लॉगिन के बाद जो हमें नेम शो हो रहा था कि ये यूज़र नेम लॉगिन है उसको हम कैसे शो करवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है, तो ये कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा,
गिटहब का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप अगर आपको एक और चाहिए होगा तो वहां से इसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, स्पेशली फॉर बिगनर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और जो मैंने स्टार्ट में लॉजिक आपको बताई थी उस लॉजिक को आप जरूर देखिएगा कि उसको किस तरह यूज किया था मैंने। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ आपके पास, ये जो ये वाला ये काम जो मैंने किया ना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है रिएक्ट जेएस में कोड करने के लिए, क्योंकि रिएक्ट जेएस में जो हम काम करते हैं वो ज्यादा स्टेट मैनेजमेंट का ही होता है और स्टेट मैनेजमेंट होती है हमारे पास यू स्टेट हुक के थ्रू। तो अगर आपको इस चीज़ को हैंडल करना आ गया तो आप एक अच्छे रिएक्ट डेवलपर बन सकते हैं। और लास्ट पे सेम रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और अगर ये इन्फॉर्मेटिव आपके लिए और तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे फायदा उठा सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।